ये वाला फ्रेंड्स तो बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा इजी केक डिज़ाइन से देख ही सकते हैं ना कितना प्यारा लग रहा। जैसे कि मैंने एक येलो कलर का बनाया था, आपने शायद वो वीडियोस देखी हो, अगर नहीं देखी तो आप लोग देख लीजिए। पर उसमें मैंने टू साइडेड था, मतलब एक लाइट शेड का यूज़ किया था, एक डार्क शेड का यूज़ किया था। और इसमें तो कस्टमर की डिमांड थी सिर्फ मेरे को ऑरेंज बेस पे ही केक चाहिए, तो सेम वैसे ही मैंने बनाया ओनली ऑरेंज बेस पे। तो ये देखिए, पहले मैंने प्रॉपर इसकी आइसिंग कर ली है, ये देखिए, फिर मैंने डिज़ाइनिंग करके इसको अच्छे से, और ये देख सकते हैं ना कितनी फट रही क्रीम फ्रेंड्स। ये हो ही रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो फिर आप जब तक कि इसको शार्प बेस नहीं दोगे तब तक कि ऐसा ही आपको लगेगा। फिर ये देखिए, जितने अच्छे से आप गुदमाते जाओगे और उतना ये देखिए कितना शार्प और शाइनी बेस होता जाएगा आपका। और ये देखिए, नीचे के चक्कर में मेरी थोड़ी ऊपर की भी डिज़ाइन गड़बड़ हो गई। फिर मैंने 1 mm नेजल उठाया, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मैंने उसको उठाया और पूरे में ऐसे फ्लावर्स वाली डिज़ाइन बना दी। ये देखिए, कुछ फ्रंट में भी डिज़ाइन बनाई। और इस टाइम पे तो चल ही रहा है कि वन साइडेड ट्रेंडिंग केक डिज़ाइन, तो सेम मैंने वैसे ही कुछ डिज़ाइन बनाई जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही। ये देखिए, कुछ फिर मैंने लाइटर शेड से फ्लावर्स बनाए जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और फिर मैं करने वाली हूँ इसमें स्प्रिंकल्स, जो कि मेरा फेवरेट है। ये देखिए, फिर मैंने कुछ डिज़ाइन वन साइडेड कंप्लीट की और इसके बाद मैंने इसके अंदर कुछ स्प्रिंकल्स डाले, जो भी मुझे स्पेस लग रहा था वो भी मैं साथ में फिल कर रही थी कि कहीं कुछ भी छूटे ना, सारा मैनेज हो जाए। ये देख ही सकते हैं, मैंने वन साइडेड केक की भी डिज़ाइन पूरी कंप्लीट कर ली। फिर ये देखिए, कुछ कलरफुल स्प्रिंकल्स डाले ताकि इसका लुक और ज़्यादा प्यारा लगे। ये देखिए, बहुत बढ़िया लग रहे थे। और कुछ ऐसा लगा इनका लुक। तो आप लोग को कैसे लगी ये वीडियो? मैंने फिर सिल्वर बॉल्स भी डाले थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अगर चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब करिए।